अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब की ताबीर तक के सफ़र में आज हमारे साथ नोआ की एक बहुत ही स्पेशल स्टार शीरीन गुल मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान को पास करके पूरे पाकिस्तान में 53rd और KP में 5th पोजीशन हासिल की है और उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हासिल की है। आइए उनसे उनकी कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीरीन। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शीरीन, आपको कैसा लग रहा है? इस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है। CSS एस्पायरेंट्स जो हैं और जिन लोगों ने CSS के कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं और जिन्होंने क्लियर भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सबको ये पता होगा कि ये एक जर्नी रेजिलियंस की है, ये कंसिस्टेंसी की जर्नी है और ये एक बहुत तवील जर्नी है। ऐसा नहीं कि कुछ महीनों की या कुछ दिनों की बात है, ये बहुत एक तवील प्रोसेस है। उस टाइम से लेकर जहाँ पर आप ये आप एक ख्वाब देखते हो कि मैं एक CSS ऑफिसर बनूं और वहाँ से लेकर उसकी ताबीर तक बहुत सारे मराहिल से इंसान गुजरता है। कुछ मराहिल खुशी के होते हैं, कुछ मराहिल बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। तो इन सब मराहिल को देखते हुए एक अच्छी फीलिंग आती है और एक ऐसा समय है जैसे ख्वाब पूरा हुआ है कोई। ठीक है, तो वो जो ख्वाब आपने देखा और फिर उसको फाइनली आपने उस गोल को अचीव कर लिया, उस ख्वाब को पूरा कर लिया, तो वो ख्वाब देखने वाली शीरीन और फाइनली जो शीरीन आज यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने ये ख्वाब अचीव कर लिया है, आप उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क ये है कि जो पहले वाली शीरीन थी जिसने ख्वाब देखा था, वो एक बहुत एम्बिशियस शीरीन थी, बहुत एनर्जेटिक शीरीन थी। एम्बिशन और एनर्जी तो कम नहीं हुई, लेकिन कुछ और बेहतर चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे प्लानिंग स्किल्स, किस तरह से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मैंने अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है, किस तरह से मैंने अपने आप को रिजिलिएंट इंसान बनाना है। मुश्किलों को कभी ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारी मुश्किलें पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ी हैं, पर हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। तो हौसलों को कंट्रोल में रखना, हौसलों को बल्कि बरकरार रखना, ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रैक्टिकली मैंने अभी यूज़ देखा है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है शीरीन, हमारे देखने वालों को थोड़ा अपना, जैसे KP से आप बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, तो मेरा डोमिसाइल जो है वो मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का है, हज़ारा डिवीज़न से मेरा ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा की। आई वॉज़ रेस्ड इन इस्लामाबाद। मेरी एजुकेशन टिल ए लेवल्स बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से हुई है और उसके बाद मैंने लम्स से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की 2017 में। 2017 के बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, ऑयल एंड गैस सेक्टर। गालिबन 3.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 3.5 साल का एक्सपीरियंस शेल पाकिस्तान लिमिटेड के साथ, और उसके बाद थोड़ा अरसा मैंने जॉब की है टोटल पार्को पाकिस्तान लिमिटेड। दोनों काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। उसके बाद मैंने जब CSS का ख्वाब देखा और जब ये डिसाइड किया, तो मैंने पूरी तरह से अपनी एफर्ट CSS के ऊपर फोकस की। और अभी से कुछ अरसा पहले, तकरीबन 5 महीने पहले, मैंने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया है एज ए यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट। जहां तक थोड़ी मेरे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ बता दूं, एज ए पर्सन मैं किस तरह की हूं, तो मैं एक बहुत एनर्जेटिक इंसान हूं, मुझे नजर आ रही है आपने माशाल्लाह। और मैंने हमेशा जिंदगी में एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर भी फोकस रखा है। अगर मैं बात करूं कि मैं किन एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्टिव थी, तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस इज समथिंग दैट आई टू कीन इंटरेस्ट इन थ्रू आउट माई लाइफ। मैं हमेशा अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट रही हूँ। लम्स में भी मैंने जो लम्स की ऑफिशियल पब्लिकेशन सोसाइटी है, पब्लिकेशंस एट लम्स, उसको प्रिजाइड किया है। और कार्मा एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म इवेंट्स में, स्टूडेंट लेड जर्नलिज्म इवेंट्स में साउथ एशिया में, तो उसको भी मैंने कन्वीन किया है ड्यूरिंग माई टाइम एट लम्स। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा और जो आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहूँगी शीरीन के अपनी फैमिली में आप ही इतनी स्पेशल और एनर्जेटिक पाई गई हैं या आपके बहन भाइयों में कोई और भी है जिसमें आपके वाले कुछ जर्म्स आए हैं? मेरा एक ही भाई है, हम बस दो बहन भाई हैं और वो भी काफ़ी एम्बिशियस है, बहुत एनर्जेटिक है और प्लानिंग स्किल्स उसके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ हमने सिमिलैरिटीज़ हैं। बाकी डिफरेंसेस में यही है कि उसने CSS का इरादा मुझसे पहले किया। अच्छा, तो ये है। अच्छा माशाल्लाह, तो क्या उन्होंने CSS पास किया है, उनकी एलोकेशन हुई है या फिर बाद में उन्होंने अपना इरादा तक कर दिया? अभी तो एस्पिरेंट है बिकॉज ही रिसेंटली ग्रेजुएटेड।
तो ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू फॉलो दिस पाथ. अच्छा माशाल्लाह. कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए. मेरी मदर जो थी वो एक एजुकेशनिस्ट थी, टीचर थी वो, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली 2020 में, राइट आफ्टर कोविड अर्ली रिटायरमेंट. और मेरे फादर अभी सर्विंग हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं. ठीक है. अच्छा श्रीनी, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माशाल्लाह, जो कि इतना अच्छा रहा, चाहे वो आपकी जॉब और फील्ड के हवाले से हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, तो आपने इस कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी इस फील्ड को क्यों परस्यू नहीं किया? सीएसएस का ख्याल किस तरह से आपको आया कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में आना है और मैंने सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? तो मैम, कॉर्पोरेट सेक्टर जब मैंने ज्वाइन किया शेल पाकिस्तान लिमिटेड से, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ख्याल रखा जाता था, बहुत एक पॉजिटिव कल्चर था, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट में बहुत फोकस किया जाता था एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट को. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई अंडरस्टूड के इवन के वो जो हमारी जो डेवलपमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीटिंग्स भी होती थी अपने सुपरवाइजर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, उसमें मैंने फिगर आउट किया कि कहीं एक जो मेरा पैशन था वो फॉल बिहाइंड कर गया. ठीक है. मेरे पास माशाल्लाह सैलरी अच्छी मिल रही है, एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं अपने पैशन को उस तरह से परस्यू नहीं कर पा रही. वो पैशन क्या था? वो पैशन था पाकिस्तान की अवाम को सर्व करना. ठीक है. अब अवाम को डिफरेंट कैपेसिटीज में सर्व किया जा सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू भी, एनजीओस के थ्रू भी, पर जो प्लेटफॉर्म सिविल सर्विस के थ्रू मिलता है उतना यूनिक प्लेटफॉर्म किसी और करियर में मैंने पर्सनली इतना ऑब्जर्व नहीं किया. क्योंकि आप वैरायटी ऑफ वेज के थ्रू डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट शहरों पर आप सर्व कर सकते हो, आपको लोगों के इश्यूज का पता चलता है, वन टू वन आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और तब आपको पता चलता है कि लोगों के कितने डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, कितने गंभीर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं. हमें कुछ प्रॉब्लम्स बस अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पता चलते हैं, पर जब हम फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है के प्रॉब्लम्स शायद उससे ज्यादा हैं. और उसके साथ साथ सिविल सर्विस में आपके पास ये एबिलिटी भी होती है, ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को टू अ सर्टेन एक्सटेंट एलिविएट कर सको. तो ये जो पैशन था इसने मुझे सीएसएस की तरफ ड्राइव किया. ठीक है. तो फिर अब जब आपने सीएसएस माशाल्लाह कर लिया, तो अब आपके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गया होगा कि मैं ये चाहती थी करूं लेकिन अब मुझे ये करना है, तो अब कैसा फील कर रही हैं? बिल्कुल मैम, इसी तरह से फील कर रही हूँ. और थोड़ा सा समथिंग रिलेटेड टू माय फैमिली बैकग्राउंड ये भी है कि नॉट ओनली एम आई एल्डर अमंग माय सिबलिंग्स, बट आई एम द एल्डेस्ट इन माय एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल, अपने कजन्स में भी. तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से एक रहा है. ये तो बहुत अच्छी बात है जी. तो अब वो बस एक वाइडर स्केल पर शिफ्ट हो गया है, एंड आई विल मेक श्योर कि जिस तरह से मैं अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखती हूँ, उसी तरह से अवामे आमा का भी पाकिस्तान में जहाँ भी मैं पोस्टिंग में रही तो उनका भी उसी तरह से ख्याल रखूँ, जस्ट लाइक फैमिली. इंशाल्लाह. श्री, अब आते हैं आपके सीएसएस के जर्नी की तरफ. ठीक है. तो जब आपने स्टार्ट लिया, अपनी पढ़ाई शुरू की, तो स्टार्ट में आपको कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ी, या आप एक अच्छी स्टूडेंट रही थी और बड़ी आसानी से आपने टाइम वगैरह को मैनेज कर लिया और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी? मैम, मुश्किलात तो रहीं, चैलेंजिंग टाइम्स आए. इसी तरह से कि जब मैंने सीएसएस की जर्नी स्टार्ट करने का सोचा तो तकरीबन 4 साल हो गए थे जब से मैं, मेरी एजुकेशन और ये सीएसएस के दरमियान. तो सीएसएस एक एकेडमिक एक एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए यह है कि मुझे दोबारा से पढ़ाई की तरफ आने में, अपना माइंडसेट वो स्टूडेंट माइंड की तरफ दोबारा जाने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी एफर्ट लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था. उससे चैलेंजिंग ये था कि मैं ऑप्शनल्स कौन से चूज़ करूँ, स्पेशली क्योंकि अगर आप मेरी डीएमसी देखें तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ऑप्शनल्स हैं, और ये एक तरह से यूनिक ऑप्शनल्स कंसिडर किए जाते हैं. तो अक्सर जब मैंने अपने सीनियर से जो भी सिविल सर्विस में हैं उनसे बात की, तो उन्होंने यही कहा कि आप कोशिश करें कि आईआर या फिर पॉलिटिकल साइंस और इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर सेफ चॉइसेस, बट आई चोज टू स्टिक विद माय मेजर इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेरा एक्सपीरियंस भी था थ्रू कॉर्पोरेट के. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका जो जैसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस एड, जो इकोनॉमिक्स स्पेशली एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट आपने लिया, बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं या जिनका बैकग्राउंड होता है इस सब्जेक्ट में वो लेते हैं,
और इकोनॉमिक्स में आपने स्कोर भी अच्छा लिया, 136 आपका माशाल्लाह स्कोर है। तो क्या एक मिथ समझी जाती है कि अपने बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहिए, वो आपको इतना स्कोर नहीं देता, या आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उस सब्जेक्ट को लेके कि ये तो मुझे आता है मैं आसानी से कर लूँगी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी कि आपको आपके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट ने कितना हेल्प किया? मैम, इस लिहाज से मुझे एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जिस तरह कम लोग ऑप्ट करते हैं तो आपको रिसोर्सेज भी स्पेसिफिकली फॉर सीएसएस या अगर हमारे जो नेबरिंग कंट्री है आईएएस, उससे उसके भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री एक्सेट्रा, तो वहाँ पर बहुत कम सोर्सेज मिले इकोनॉमिक्स के। ज़्यादातर कोर्सेज इसी तरह से थे, मतलब ऑनलाइन जिस तरह से बुक्स इकोनॉमिक्स की हैं, कोर्स बुक्स हैं, इसके अलावा जो कोर्स लेक्चर्स होते हैं उस तरह की चीज़ें, तो मैंने वो रिसोर्सेज कलेक्ट किए और कलेक्ट करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स की आउटलाइन भी देखें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो पिन पॉइंट नहीं किया गया उन टॉपिक्स को कि आपने कौन सी थेरीज पढ़नी है और कौन सी नहीं, और थेरीज तो मुख्तलिफ लेवल्स पर बहुत सारी थेरीज इकोनॉमिक्स की, तो वो आइडेंटिफाई करना और ये कॉन्फिडेंस होना कि अच्छा ठीक है अब मैंने इतनी थेरीज कर ली हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं सीएसएस के लेवल पे, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप जितनी कर सको उतनी बेहतर हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे सब्जेक्ट्स में रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने में, लेकिन ये है कि हो गया था। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री के सब्जेक्ट को भी परस्यू कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस पर फोकस कम करना है, वो भी उतना ही फोकस रिक्वायर करते हैं जितना कि आपके बाकी ऑप्शनल्स जो कि शायद आपने ना पढ़े हों यूनिवर्सिटी में वो करते हैं। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट तो आपने वो ले लिए जिनमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था आपको पहले से, उसकी तो कुछ नॉलेज थी, जो आपने जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी लिया, इन तीन ऑप्शंस को आपने किन बेसिस पे ऑप्ट किया था? मैम, इसमें इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर सच कि मुझे इनमें बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत अपील किया जब मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से इनकी कोर्स आउटलाइन देखी तो। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे अराउंड ये इश्यूज चल रहे होते हैं, अगर आप क्रिमिनोलॉजी देखें उसमें भी अंडरस्टैंड करना कि क्राइम की क्या बेसिस है, क्योंकि सिविल सर्विस में आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है क्रिमिनैलिटी से, क्राइम से, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जेंडर भी, वुमेन अराउंड हाफ ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, तो उनके जेंडर के कॉन्सेप्ट को ये समझना बहुत जरूरी है, और सोशियोलॉजी भी इसी तरह से। उसके अलावा कुछ और मैट्रिसेस जिसपे मैंने ये चॉइस ली वो ये थी कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स कितनी इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अगर मैं डिफरेंट लेक्चर से कंसल्ट करूँ तो किस तरह से अवेलेबल हैं, और कैसी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं कंसल्ट कर सकती हूँ, और इस तरह से। ठीक है, तो श्री, आपने अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए जिन रिसोर्सेज को कंसल्ट किया वो अगर आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें जहाँ से आपने अपना ये जो है वो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया। जी मैम, तो इसमें यह है कि एक तो जो बुक्स रिकमेंडेड है वो लाजमी आप जो एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको लाजमी देखें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान अफेयर्स इस दफा काफी हिट हुआ है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ये बिल्ड करना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अभी तक जहां हम खड़े हैं वो किस तरह से हमने सफर तय किया, तो एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि एफपीएससी की आप कोर्स बुक जरूर देखें, उन्हीं कोर्स बुक से रिलेटेड कुछ बुक रिव्यूज होते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोज होती हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बनाई होती हैं, वो जरूर कंसल्ट करें। रिसोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक रिसोर्सेज हैं कि आप स्टैट्स कहाँ से कंसल्ट करें, या फिर जो रेलिवेंट कोटेशंस हैं, कुछ रेलिवेंट थेरीज हैं उनको कहाँ से देखें, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्स है, इनफैक्ट इंटरनेट जो है तो इंटरनेट को यूटिलाइज करें, यूएन की वेबसाइट्स देखें, आईपीआरआई इपरी की वेबसाइट्स देखें, इस तरह से डिफरेंट जो रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़रूर स्टडी करें, और जितना आप स्टडी कर सकते हैं, जितना आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को वो ज़रूर करें, और न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा रोल है इस सब में, ना सिर्फ ये कि आपको करंट अफेयर्स का पता चलता रहता है बल्कि आपकी वोकैबुलरी स्पेसिफिकली इंग्लिश प्रेसी के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 20 मार्क्स आपके सिर्फ वोकैबुलरी के होते हैं, तो वो इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है स्पेसिफिकली फॉर दोज 20 मार्क्स, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल स्कोर में इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी के एग्जाम में, तो न्यूज़पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, उसको कंसल्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अशरी, आपने अपने इस पूरी तैयारी में सीएसएस की कितना ड्यूरेशन लगाया, मतलब एक ओवरऑल टाइम पीरियड पूछ रही हूँ कि कितने महीने लगे तैयारी में,
और साथ डेली का पूछ रही हूँ कि रोज़ाना कितने घंटे पढ़ती थी और कितना वक्त देती थी पढ़ाई को, क्योंकि साथ आपने बताया कि आप बहुत बहुत सारी चीज़ों में थी और जॉब भी थी, तो पढ़ाई को कितना टाइम दिया? जी मैम, तो पढ़ाई को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जब से मैंने CSS का एग्ज़ाम CSS के एग्ज़ाम में अपेयर होने का माइंड बनाया और जब से लेकर CSS के एग्ज़ाम्स हो गए, 8 months मुझे लगे थे. इसमें एक रीज़न तो ये भी है कि सितंबर में मैंने प्लान किया था कि मैंने एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, तो और तब हमें MPT का आइडिया नहीं था, तब हमारे माइंड में टाइम फ्रेम था फरवरी का. बट आई एम हैप्पी कि मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. उसमें यह है कि मुझे जो हाउ टू राउट अबाउट दिस जर्नी, उसकी काफ़ी इंसाइट्स मिल गई. मैंने बहुत अपने सीनियर्स से भी कांटेक्ट किया कि उनकी जर्नी कैसे रही, स्पेसिफिकली वो सीनियर्स जिन्होंने राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी जो अपेयर नहीं हुए थे, जिनका थोड़ा सा थोड़ा करियर परस्यू करने के बाद जो अपेयर हुए थे, बिकॉज आई कुड रिलेट मोर टू देम. उसके बाद यह है कि मैंने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, मैंने रिसर्च की कि मुझे कौन से ऑप्शन चूज करने चाहिए, कंसल्ट किया बुक्स को, तो इस सब में इट टुक मी अराउंड 8 months. ठीक है, तो उन 8 months में आपने श्री नोट्स वगैरह भी साथ साथ अपने बनाती रहीं या नोट्स नहीं बनाए और बस पढ़ रही थी, कोई राइटिंग प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नॉट ओनली फॉर द रिटन एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द इंटरव्यूज. कि हमें लग रहा होता है कि अच्छा बस अभी पढ़ लेते हैं, हम रिटेन कर लेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इस चीज़ की है कि जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक में से इवन के हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ सको. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नोट्स इतने स्ट्रक्चर्ड हों कि आप उनको लास्ट डे पर कंसल्ट कर सको, जब आप एक लास्ट रिविजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त. उसके अलावा नोट्स की ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने करनी होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड हों, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हों. और अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मेरे नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया. मैंने अपने इंटरव्यू की जो तैयारी थी उसमें 60% मेरे नोट्स से, उसके अलावा ऑब्वियसली न्यूज़पेपर डेली का बहुत ज़रूरी था, कुछ मैंने जो डिफरेंट IAS की भी और CSS की भी जो डिफरेंट वीडियोस हैं इंटरव्यूज़ की, मॉक इंटरव्यूज़ की, वो भी देखी, मॉक इंटरव्यूज़ में भी अपेयर हुई. और रिटन तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन प्रैक्टिस, और उससे सही तरीके से इवेल्युएट करवाना भी, क्योंकि जब आप रिटन एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो आपके पास आपको लग रहा होता है कि अच्छा 3 घंटे हैं, 4 questions हैं, बहुत इजीली मुझसे मैनेज हो जाएगा. पर उस वक्त एग्जाम का प्रेशर इस तरह से होता है, टाइम का इतना प्रेशर होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मैनेज कर सको. स्पेसिफिकली अगर मैं आपको अपना एक अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बताऊं, तो CSS 2022 का जो हमारा इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम था, उसमें टॉपिक्स मुश्किल नहीं थे, समझना उनको मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप पहली नज़र में उन्हें देखें तो आपको लगेगा कि शायद 2500 to 3000 वर्ड्स इन टॉपिक्स पर लिखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन देयर नेचर, दे वर वेरी टू द पॉइंट. बिल्कुल जैसे हमारे एक सब्जेक्ट के एग्जाम ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह से थे. पर मेरी जो रिटन प्रैक्टिस थी उसने मुझे इतना हेल्प किया कि एट दैट मोमेंट आई डिडंट लूज माय काम. मैंने बहुत बहुत काम नर्व्स के साथ मैंने चूज किया अपना टॉपिक, और उसके बाद उसे स्ट्रक्चर इस तरह से किया, आउटलाइन ऐसी बनाई कि मेरी वर्ड लिमिट जो थी वो अच्छे कंटेंट के साथ पूरी कंज्यूम हो गई. तो दिस वाज समथिंग वेरी यूनिक. उसके अलावा ये भी है ना कि आप अगर देखें तो आपके पास किसी भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को पहले आप किसी एक टॉपिक को चूज करो, उसके बाद आप उसे क्रॉस आउट करके यू स्टार्ट अफ्रेश. आपके पास बहुत एक लिमिटेड टाइम होता है, वही 3 घंटे हैं जिनको मैनेज करना है सारे क्वेश्चंस. तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इतना स्ट्रेटेजिकली इतना स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आपने कोई मॉक्स वगैरह दिए थे या बस एग्जाम में ही जाके बैठी थी और वही आपका फर्स्ट था वो? नहीं मैम, मैंने बिल्कुल मैंने मॉक सीरीज एक नोआ से ही ली थी, परचेज की थी, जो पेड मॉक्स होते हैं. उसके अलावा मैंने MPT का भी, क्योंकि वी वर द फर्स्ट बैच जिसका MPT कंडक्ट हुआ था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, किस तरह से होगा, तो मैंने मॉक MPT मॉक्स भी दिए थे और रिटन के लिए भी मैं मॉक्स के लिए अपेयर हुई थी. आई टुक 1 सीरीज ऑफ मॉक्स. उसके अलावा कुछ रिटन प्रैक्टिस मैंने अपने एंड पर भी की थी, जैसे पास पेपर्स की काफ़ी सारे मैंने लास्ट 2016 से लेके अभी 2021 तक के पास्ट पेपर्स जो हैं वो मैंने अपने तौर पर भी प्रैक्टिस किए थे. ठीक है,
तो अच्छी बहुत स्ट्रैटेजी रही आपकी माशाल्लाह। मैं आपसे पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से पूछना चाहूँगी श्री, कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लेने के लिए? पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिफ्लेक्ट होती है वो ये है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस। आपके पेपर पर अगर बहुत ज़्यादा कटिंग हुई होगी तो वो एक चीज़ ये रिफ्लेक्ट करेगा कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं, शायद आप सोच रहे हैं, आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी एग्जामिनर अगर इस तरह से देखेगा कि एक टॉपिक के बहुत बहुत अच्छे आपने सब हेडिंग्स बनाए हैं, डिफ्रेंशिएट किया है मेन हेडिंग्स को सब हेडिंग से, कंटेंट से आप जब कंटेंट स्विच कर रहे होते हो उसको एक प्रॉपर हेडिंग दी है और प्रॉपर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने स्पेसिंग अच्छी की हुई है, तो वो एक एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स मूडी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सब एज ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हमेशा हमें अपील करती है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एग्जामिनर को अपील करें। तो ये प्रेजेंटेशन इज ऑफ की इम्पोर्टेंस। ठीक है श्री, ये कुछ चीज़ें हमने आपसे पूछी आपके रिटन पार्ट के हवाले से। अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ, तो जो आपका इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एक बहुत थॉरो एक्सपीरियंस था मेरा। हमें लगता है कि हमने एक दफ़ा अगर रिटन क्लियर कर लें तो उसके बाद कोई प्रेशराइजिंग सिचुएशन नहीं रहती, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं रहता, बट सही आपका जो चैलेंज है, चैलेंजिंग टाइम, वो वहाँ से शुरू होता है। बिकॉज यू कांट बी श्योर कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपसे रेलिवेंट पूछा जाएगा, आपसे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि मेरा पर्सनल मेरा इंटरव्यू था 10th मई को। 10th मई को आपको आइडिया है कि 9th मई को जो इमरान खान की अरेस्ट हुई और उसके बाद जिस तरह से सिचुएशन आगे प्रोसीड की, तो वो सिचुएशन एकदम से एक दिन पहले बदल गई। तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? उसके अलावा देखिए, आप जब रिटन एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे होते हैं तो आप अपने अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने आंसर्स के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो एवरीथिंग मैटर्स। आप एंटर किस तरह से हुए हैं, आपने ड्रेसअप कैसा किया हुआ है, आप परेशान तो नहीं हो रहे उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन से, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी आवाज की पिच ज्यादा हाई तो नहीं है, आप किस तरह से जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उनको कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं और उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर अलॉट इन एडिशन टू नॉलेज। तो वो तैयारी, उसमें कंसिस्टेंट होना, उसमें रिजिलियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्री, जो आप इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बता रही हैं, और जैसे इंटरव्यू से पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी मेरी, अभी तो आपने बताया कि आपने नोआ को इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया, तो जो नोआ से आपकी लर्निंग थी उसने आपको कितना हेल्प आउट किया आपके FPSC के फाइनल इंटरव्यू में? तो मैम, नोआ में इंटरव्यू की जो मैंने प्रिपरेशन की वो ये था कि आई पेड फॉर मॉक इंटरव्यूज़। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ नोआ के, एक तो आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे दो पैनल्स थे नोआ के। एक पैनल था जो एक बहुत बिहेवियरली आपको इंटरव्यू आपका कंडक्ट करता था, और एक पैनल ऐसा था जो बहुत एकेडमिकली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता था। तो दोनों ने बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि इंटरव्यू में आप को इतना कुछ प्रिपेयर करना होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि निटी ग्रिटीज आपसे कोई पूछे। ठीक है। क्योंकि बहुत ये, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत वास्ट टॉपिक्स पर भी पूछा जा सकता है और बहुत नैरो टॉपिक्स पर भी, तो इट वाज रियली हेल्पफुल, स्पेशली अगर आपका जो बिहेवियरल पैनल था, सो द काइंड ऑफ जॉब दैट आई हैव बीन इन, उसमें कॉन्फिडेंस का तो कोई इशू नहीं आता। अलबत्ता एक नेचुरल चीज है कि आई स्पीक अ लिटिल, आई एम अ बिट हाई पिच्ड, तो मेरी आवाज़ की पिच को मेंटेन करना वो मैंने उस पैनल प्रैक्टिस से सीखा, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर्स के सामने आते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो एक प्रेशर सिचुएशन होती है। इट्स द FPSC पैनल हु इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट राइट देयर एंड देन, तो उसमें अपने तमाम चीज़ों को बहुत मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है, और आपकी आवाज़ बहुत हाई पिच्ड होगी तो हो सकता है कि किसी पैनलिस्ट पे वो गिरा गुजरे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आवाज की पिच को बहुत अच्छा मेंटेन करो, और अलोंग साइड द कंटेंट, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर आपके कंटेंट पर फोकस नहीं कर पा रहा पैनलिस्ट, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ऊंची है या बहुत लो पिच्ड है, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो उस चीज को ओवरकम करने में मॉक इंटरव्यूज ने हेल्प किया मुझे। ठीक है।
आखिरी में अब आखिर में ये चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के लिए और हमारे एस्पायरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें। बिल्कुल, तो मैसेज यही है कि जब आप CSS के एग्ज़ाम में अपेयर होने का प्लान करते हैं, याद रखिएगा कि आपकी मोटिवेशन क्या है। रीज़न बीइंग कि ये एक बहुत तवील प्रोसेस है और दिस इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। इट्स नॉट कि आप कंसिस्टेंटली बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसे भी टाइम्स आएंगे जब आपके इर्द गिर्द के लोग, या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब लोग बहुत मोटिवेटिंग थे। बहुत कम मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा कि कोई डीमोटिवेशन मिली किसी भी इंसान से। लेकिन यह है कि ऐसा भी आप फेस कर सकते हैं सोसाइटी में कि नॉट एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। उसके अलावा ये भी होता है कि ये इस जर्नी के थ्रू आप ये समझेंगे कि कभी कभी ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत एलोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है, सीट्स बहुत कम हैं, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, आई डोंट नो इफ़ आई एम गुड इनफ। टू यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर गुड इनफ, यू नीड टू नो योर मोटिवेशन। अगर आपकी मोटिवेशन सही है, अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो देर इज नो नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। जस्ट बी वेरी रेजिलियंट, यू नीड टू कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना और रेजिलियंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल बी चैलेंजिंग टाइम्स जब आपको लगेगा कि एग्जाम बहुत मुश्किल है, सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत मुश्किल है, और ऐसा भी होगा कि जब आप एक एग्जाम में अपेयर होके आए और नेक्स्ट एग्जाम जब हो आपका नेक्स्ट डे, तो आपको लगे कि नहीं, मेरा एग्जाम शायद इतना अच्छा नहीं हुआ, शायद मुझे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। तो डोंट लेट सेकेंड थॉट्स स्पॉयल योर प्रेपरेशन और स्पॉयल योर एनर्जी, योर स्पिरिट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स, और आपने यकीन रखना है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बिलीफ अपने लिए होना, वो अपने इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू वंडर्स, बट इफ़ यू डोंट बिलीव योर सेल्फ एंड यू क्वेश्चन योर सेल्फ, दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कभी भी अपनी एबिलिटीज को आपने क्वेश्चन नहीं करना और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। यू नीड टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो अंडर कॉन्फिडेंस, नो ओवर कॉन्फिडेंस, एंड कीप योर होप्स हाई, कीप योर एम्बिशंस हाई, एंड गिव इट योर 100%। परफेक्ट, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और श्री बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका इंटरव्यू करके आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ आज मौजूद थी श्री गुल, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान को पास करके पूरे पाकिस्तान में 53rd और KP में 5th पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।